हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपी की रसोई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेस्ट्रीज। हर किसी ओकेजन में, चाहे वो बर्थडे हो, इंगेजमेंट हो या फिर हो शादी की सालगिरह, उसमें हम केक और पेस्ट्रीज तो मंगाते ही हैं। आज यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बनाने सिखाई है पेस्ट्रीज। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं व्हिप्ड क्रीम को खाली करूंगी इस बोल में और इसे फेंट लूंगी। तो यहाँ पर मैंने बोल में डाल ली है व्हिप्ड क्रीम और मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको फेंट रही हूँ। आप चाहो तो हाथ से भी इसे फेंट सकते हो, मगर इससे बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसे फेंट लेंगे। तो क्रीम यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो मशीन को कर देंगे बंद और इसे हम कर लेंगे चेक। तो चेक करने का तरीका है, अगर ये आसानी से ना गिरे क्रीम, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो ब्रेड के हमें चारों कॉर्नर्स काट लेने हैं और बीच में से इस तरीके से इसे काट लेना है, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे काट लेना है। यहाँ पर मैंने ब्रेड पहले से ही काट कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप पहले से तैयार करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया और उसमें तकरीबन 4 चम्मच चीनी का डाले हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि हमें चाशनी नहीं बनानी है, इस तरीके का हमें शुगर सिरप बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ब्रेड स्लाइस और इसमें हम डालेंगे शुगर सिरप इस तरीके से। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और ये मैंने, तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ क्रीम जो हमने फेट कर तैयार कर ली थी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर तैयार कर ली है, उसके ऊपर रखेंगे अभी दूसरी ब्रेड। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम मैंने यहाँ पर क्रीम यूज़ करी है, इसमें पहले से ही चीनी होती है, तो आपको उसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। तो दूसरी लेयर भी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे भी रखेंगे तीसरी लेयर को और इसके ऊपर भी लगाएंगे उसी तरीके से क्रीम। तो अब हमें यहाँ पर इसको तीनों तरफ से अच्छे तरीके से क्रीम से कवर करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर पेस्ट्री को अच्छे तरीके से कोट कर दिया है, तो अब इसे हम कर लेंगे डेकोरेट। तो नोजल की मदद से इसको हम डिजाइन दे देंगे। इस तरीके से और ये तैयार है हमारी पेस्ट्री। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंकल्स, थोड़ा सा इसे हम कलरफुल दिखाएंगे। तो तैयार है यहाँ पर हमारी पहली पेस्ट्री। जब तक बाकी पेस्ट्री बन रही तब तक हम इसे रखेंगे फ्रिज में। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर की पेस्ट्री। उसके लिए मैंने यहाँ पर क्रीम निकाल ली है अलग से और ये डाल रही हूँ उसमें कोको पाउडर 1 टेबल स्पून और ये इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रीम और कोको पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया। तो चलिए बनाते हैं पेस्ट्री। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसमें इसकी लेयरिंग कर दी है। तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर दूसरी स्लाइस रख रही हूँ और इससे भी हम क्रीम से कोट कर लेंगे। अब इसके ऊपर रख रही हूँ मैं तीसरी स्लाइस और इसे भी हम कर लेंगे कोट। तो यहाँ पर पेस्ट्री को मैंने तीनों तरफ से कर लिया कोट, तो अब इसे कर लेते हैं हम डेकोरेट। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है, अब इसको हम बीच में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट्री को कर लिया डेकोरेट, तो अब इसे भी हम रख देंगे फ्रिज में। तो अब मैं बना रही हूँ मैंगो फ्लेवर्ड पेस्ट्री। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन में निकाल लिया है और इस क्रीम में इसको डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है मैंगो फ्लेवर्ड क्रीम। तो जैसे मैंने बाकी की पेस्ट्रीज बनाई थी उसी तरीके से
इस पेस्ट्री को भी हम बना लेंगे। तो तैयार है यहाँ पर हमारी मैंगो फ्लेवर्ड पेस्ट्री, इसी तरीके से हम बाकी पेस्ट्रीज को भी तैयार कर लेंगे। तो तैयार है यहाँ पर हमारी पेस्ट्रीज। तो आपने देखा ये बनाना बेहद ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।